अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी लगातार काम किया जा रहा है और इस वक्त सकुशल लौट जाएं हरियाणा के छात्र, सीएम की तरफ से ये कोशिश की जा रही है और स्वागत किया किया गया है। जो बच्चे पहुंचे हैं स्वागत कर रहे हैं हरियाणा के सीएम, अभिभावकों से बातचीत भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने बताया है कि जल्द ही प्रदेश के बाकी छात्रों को भी सकुशल निकाल लिया जाएगा। क्या कुछ कहा गया है हरियाणा के सीएम की तरफ से, आप भी सुने। एक बहुत बड़ी समस्या अचानक आ गई थी, यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारे यहाँ के पूरे देश भर के लगभग 18,000-19,000 छात्र थे, हरियाणा के भी उसमें 1800 छात्र हैं। पहला काम तो यह है कि वो सकुशल वहाँ से वापस लौट आए, उसकी व्यवस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की, हमारे कई मंत्री वहाँ गए, स्पेशल फ्लाइट्स वहाँ से चलाई गई और उसमें अधिकांश लोग वापस लौट आए हैं। फिर भी कुछ अभी शहरों में फंसे हुए हैं और बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग हैं उसको फ्लाइट्स लेकर के जा रही हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग अंदर रह गए हैं वो सुरक्षित कैसे निकले, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार अपने जो हरियाणा के लोग हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। 100 के आसपास हरियाणा के जो छात्र थे उसमें से 80 के आसपास अभी भी यूक्रेन में शहरों में जो हैं उनका संपर्क बना है और कैसे वो निकल सकते हैं उसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। और जब सब वापस आ जाएंगे तो फिर आगे इनके भविष्य की चिंता भी जरूर भारत सरकार भी करेगी, MCI करेगी और हम उसको फॉलोअप करेंगे और हम भी कोई अच्छे सुझाव उनको देने वाले हैं।